अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बिया टीवी ब्लॉग। कैसी है माई यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, हंसते बसते रहें और खुश रहा करें। दो दिन की ज़िंदगी है तो अपना ख्याल रखा करें। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों को कहाँ लेके जा रही हूँ। मैं लेके जा रही हूँ जी, ये एक ज़ियारत है, दरबार है जो कि बहुत पुराना है, और ये दरबार आलिया हज़रत कंबीत अलैहिस्सलाम के नाम से है, जो कि जिनके बारे में कहा जाता है कि ये इब्ने आदम अलैहिस्सलाम यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। अच्छा जी, यहाँ आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इनकी जो कब्र है वो कितनी लंबी है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये पार्किंग का है, ये बाहर सारा बाज़ार इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो कि सेल की जाती हैं, और ये सारा पार्किंग का एरिया है। अब जो है मैं आपको अंदर लेके जाती हूँ ज़्यारत के, और यहाँ पे आपको उनकी कब्र जो है वो दिखाती हूँ, और अंदर चल के फातिहा भी पढ़ेंगे। और इनकी जो दरबार है वो इनका बरेला शरीफ, जो कि आपने नाम सुना होगा, उस इलाके में वाक़िया है और गुजरात में। सो ये रही जी हज़रत कंबीत अलैहिस्सलाम की कब्र, और ये देखें, ये तकरीबन इनके बारे में कहा जाता है कि ये 72 गज़ लंबी कब्र है, और इसके अलावा यानी कि तकरीबन 220 फुट कह लें कि लंबी, और गज़ में अगर हिसाब लगाया जाए तो 72 गज़ लंबी कब्र है ये, और पाकिस्तान में सबसे बड़ी कब्र है ये। और जी आगे भी मैंने अपने व्लॉग में एक इसी तरह से एक ज़ियारत है, उनकी जो कब्र है वो भी लंबी थी काफ़ी, उसका भी व्लॉग डाला हुआ है, अपलोड किया हुआ है। लेकिन ये है कि यहाँ बरेला शरीफ में बहुत टाइम से आना चाह रही थी, और मैं चाह रही थी कि ये जो ज़ियारत है और ये जो कब्र है मैं इसका व्लॉग ज़रूर बनाऊँ, और यहाँ पर आके स्पेशली जो है सबसे पहले तो फातिहा पढ़ी थी मैंने। फातिहा पढ़ लें आप लोग भी अगर देख रहे हैं तो। और उसके अलावा ये है कि यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आ रहे थे, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे, और मर्द औरतें बच्चे बूढ़े मिक्स थे सारे, और ये इन्होंने बड़ी उन्होंने ना साइड्स पे इसको कवर किया हुआ है, यानी कि आप बिल्कुल इनको हाथ नहीं लगा सकते अंदर जाके या ये वो। तो जो सर वाली जगह थी वो उन्होंने बहुत ज़्यादा सजाई हुई थी, और उस पर बहुत ज़्यादा अच्छा, वहाँ पर एक बड़ी अच्छी सी एक महक सी थी जो कि आ रही थी, यानी कि स्पेशल मैं ये नहीं कहूँगी कि वहाँ पर उन्होंने कोई रूम स्प्रे किया हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन पुरसकून जगह थी और जहाँ पर इनकी कब्र है, और एक अजीब सी महक थी जो कि महसूस हो रही थी। तो ये थी हज़रत कंबीत अलैहिस्सलाम की कब्र जो कि 72 गज़ है, और ये बाहर जी यहाँ से मैं ले रही थी अपनी फैमिली के लिए, और जितनी भी फैमिली में मेरे लड़कियाँ हैं उन सब के लिए चले, और जी बाकी कुछ चीज़ें अपने लिए ली। सो यहाँ से भी शॉपिंग मैंने कंप्लीट कर ली, और फिर आगे मैं निकल गई अपने न्यू व्लॉग के लिए। तो बस ये आपको बताना था, दिखाना था। सो चलते हैं अपने न्यू व्लॉग के लिए, तो इंशाल्लाह उसको फिर ले कर आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें अगर आपका दिल करता है तो, और फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।